नमस्कार दोस्तों, जॉन अब्राहम की 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई फिल्म बाटला हाउस ने अपने 11वें दिन जबरदस्त आंकड़े दर्ज कराए हैं। फिल्म को जन्माष्टमी की छुट्टी का अच्छा खासा फायदा मिला, जिसकी वजह से इसकी कमाई में उछाल दर्ज की गई। जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने कुछ देर पहले ही अपने ताज़ा ट्वीट के माध्यम से बाटला हाउस की कमाई लोगों के सामने शेयर की, जिसके अनुसार इसने अपने दूसरे रविवार को 7,21,00,000 रुपये की कमाई की है। इसी के साथ बाटला हाउस के खाते में कुल मिलाकर 83,78,00,000 रुपए जुड़ चुके हैं। फिल्म बाटला हाउस के द्वारा पहले हफ्ते और दूसरे वीकेंड में की गई कमाई पर नज़र डाली जाए तो इसने पहले वीक में कुल मिलाकर 65,84,00,000 रुपए की कमाई की थी और दूसरे वीकेंड में इसने कुल मिलाकर 17,54,00,000 रुपए की कमाई की थी। तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि दूसरे वीकेंड में जन्माष्टमी का बाटला हाउस को खूब फायदा हुआ है। आपको बताते चले कि बाटला हाउस के साथ 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन मंगल भी रिलीज हुई थी। मिशन मंगल भी सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जिसकी वजह से बाटला हाउस की कमाई थोड़ी सी कम चल रही है। अगर 15 अगस्त के मौके पर बाटला हाउस को सोलो रिलीज मिली होती तो यह फिल्म अब तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होती। फिल्म बाटला हाउस में जॉन अब्राहम की अदाकारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। फिल्म को जॉन अब्राहम के कैरियर की सबसे बेस्ट फिल्म माना जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉलीवुड से जुड़ी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे पहुंचती हैं सारी खबरें सबसे पहले आप तक।